और 21 रुपए अवनीश जी की तरफ से, अवनीश जी सेवरा, और 51 रुपए राम धन मौर्य जी की तरफ से प्रदान हुए हैं। भाई संतोष सिंह एडवोकेट हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने हमारे संचालन पर हमें 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। मैं संतोष भैया को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और ये 51 रुपए भाई कमलेश लखीमपुर वालों की तरफ से भी प्रदान हुए हैं। सूर्य नारायण जी हैदराबाद वालों की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब रावण जो है कुंभकर्ण को जगाने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। पिंकू कुमार कोटा मानसी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। मैं सभी महानुभाव को अपनी सभा की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपके सामने बहुत ही सुंदर दृश्य, कुंभकर्ण को युद्ध में जाना है लेकिन वो अपनी चीज में है, उसको जगाने के लिए बड़े बड़े भाले चुभाए जाते हैं, ढोल मंजीरे बजाए जाते हैं। ये 11 रुपए साक्षी छोटी बच्ची है, साक्षी गुप्ता ने प्रदान किया है। मैं उसे भी अपनी सभा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज
प्रमोद सिंह जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। राधा कंकड़ का प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे जगह भैया जी बेटा यह सत्य है कि यदि लंका पर विप्लव के बादल मंडरा नहीं रहे होते तो मैं तुम्हारी नेत्रा में विघ्न न डालता। ऐसी कौन सी विपदा आ गई है? विपदा घोर विपदा आई है भाई, बड़ी विपदा आई है। हमारी स्वर्णमयी लंका सदा चकमक दिखाती है, जहाँ दुर्भिक्ष नहीं पड़ता प्रभाती पत्र जाती है। किंतु इस स्वर्णमयी लंका पर आज कुछ पागलों ने दो लड़कों के साथ षड्यंत्र करके घेरा डाल दिया है और उन्होंने आवश्यकता समझ में नहीं आई। मैंने सोचा कि बहन की नाक काटने का फैसला मैं स्वयं ले लूंगा, इस हेतु मैंने उनकी बहन का उनकी पत्नी का हरण कर दिया। तत्पश्चात वो दोनों लड़के जंगल में बानर भालुओं की वृक्ष आदि की सेना बनाकर षड्यंत्र सहित लंका पर आक्रमण किया। इतना ही नहीं, समुद्र लंघन कर बिना अनुमति के राम सेतु का निर्माण किया और निर्माण कर हमारी लंका पर आक्रमण कर दिया है। पहले तो ये बात बाद में होगी, कुशल क्षेम बाद में होगी। महामंत्री पहले भाई को भोजन कराया जाए। इस कुंभकर्ण के जगाने के अर्थ में मोहित 51 रुपए प्रदान करते हैं और आर्यन जो है उसका 21 रुपया जो है पुरस्कार के रूप में प्रदान किया है और दीवानी 11 रुपए पुरस्कार में आया है। चलो जीवन सदा रामायणी सदा उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं। लड़कों ने अपने एक दूत पार को भेज कर लंका नगरी को भिजवा दिया। अब इस संकट की घड़ी में मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और दोनों लड़कों को मजा चखाओ। राधा, क्या ये वही दो लड़के हैं जो श्री राम और लक्ष्मण हैं? श्री शत्रु के नाम के आगे श्री लगाते हो, शत्रु राम तो है, मेरा शत्रु है और उस शत्रु के नाम के आगे श्री। अरे भाई तुम्हें लज्जा नहीं?